हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीवीएनई लर्निंग क्लासेस। आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम। टुडे विल बी डू इंग्लिश ग्रामर टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच। लेट बी स्टार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हें करने से पहले इन्हें समझेंगे ये होते क्या हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। शब्दों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, यानी कि वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ और अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस, उनका शब्द उन शब्दों का इस्तेमाल जो वाक्यों में किया गया है और उनका क्या काम है, क्या वर्क है, उनके बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, ये संख्या में 8 होते हैं, यानी कि हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, जिन्हें सब जो वो शब्द हैं जिन्हें हम सेंटेंस में यूज करते हैं, उनकी उसमें श्रेणी बताई गई है, उनके प्रकार बताए गए हैं कि कौन सा वर्ड हमारा नाउन कहलाता है, कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, कौन सा एडजेक्टिव। तो लेट वी स्टार्ट टू डिस्कस इन वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारा नाउन है, सेकंड वर्ब, थर्ड प्रोनाउन, फोर्थ हमारा एडजेक्टिव, नेक्स्ट है हमारा फाइव पे एडवर्ब है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन, सेवन कंजक्शन और 8 इंटरजेक्शन। यानी कि हमारे जो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उनका हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट है हमारा नाउन, हिंदी में इसे संज्ञा भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, एज यू नो वेरी वेल कि हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। हम हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के बेस को मतलब सिमिलर नहीं कह सकते उसके, यानी कि उनके जो रूल्स होते हैं थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, बिल्कुल उनको एग्जैक्ट हम कन्वर्ट नहीं कर सकते बिल्कुल एज इट इज। तो नाउन, नेम इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग लाइक दैट, एनिमल, फीलिंग एंड आइडिया। नाउन वह वर्ड है, वह शब्द है जिसका यूज यानी कि इस्तेमाल किसी भी पर्सन व्यक्ति के लिए, किसी भी प्लेस स्थान के लिए, किसी भी थिंग वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे एनिमल, फीलिंग एंड आइडिया, ये सभी हमारे नाउन हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, अशोक इज़ अ नाइस बॉय, यानी कि इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो हमारे नाउन है। तो इसमें अशोक और बॉय हमारा नाउन है। अशोक हमारा यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इसमें उस किसी विशेष बच्चे का नाम बताया गया है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम बताया गया है, तो इट मीन्स इट कॉल प्रॉपर नाउन। बॉय भी हमारा नाउन है, लेकिन ये हमारा प्रॉपर नहीं है, ये हमारा कॉमन नाउन है। इसमें पूरे लड़के की जाति के बारे में बताया गया है कि लड़का है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। तो जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है वही हमारा नाउन है। अकबर हमारा नाउन है और किंग भी हमारा नाउन है। तो अकबर हमारा प्रॉपर किसी पर्सन का नेम है, अकबर, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है, और किंग भी हमारा कॉमन नाउन है। किंग राजा कोई भी हो सकता है, अगर किसी का नाम दे रखा है पर्टिकुलर तो वह हमारा प्रॉपर है, अगर किसी का नाम नहीं दे रखा तो वह हमारा कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कोलकाता इज़ ऑन द हुगली, यानी जो कोलकाता है वो कहाँ पर है, हुगली पर है। तो कोलकाता एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है,
तो ये हमारा नाउन हुआ, नाउन भी कौन सा स्टूडेंट, हमारा प्रॉपर नाउन। इसको हम और भी इसके काइंड्स में अच्छे से डिफाइन करेंगे। हुगली हमारा यहाँ पर जगह का यानी कि नदी का नाम है। हमारा नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन, जैसे हिंदी में आप इसको सरनाम भी कहते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज टू रिप्लेस द नाउन। रिप्लेस होता है स्टूडेंट किसी के जगह, किसी के स्थान पर किसी का जो इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो प्रोनाउन वह वर्ड है, वह शब्द है जो किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। लाइक दैट प्रीति इज अ गुड डांसर, इसमें बताया कि प्रीति इज अ गुड डांसर यानी कि प्रीति एक अच्छी डांसर है, नृत्यक है। शी लव्स डांसिंग, और वह डांसिंग से प्यार करती है। तो इसमें टू सेंटेंसेस दे रखे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो प्रीति है, प्रीति किसी का नाम है तो पर्सन का नाम हो गया, तो इट इज़ कॉल्ड नाउन। लेकर हम प्रीति न कहकर इसकी जगह शी प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, तो सी हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है स्टूडेंट, और प्रीति हमारा यहाँ पर नाउन है। तो वह वर्ड जो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। तो शी हमारा प्रोनाउन है क्योंकि वो प्रीति नाउन की जगह यूज किया गया है। ऐसे हम बार बार प्रीति प्रीति ना कहकर उसकी जगह प्रोनाउन शी यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। यहाँ पर जो बुक्स है, अंडरलाइन वर्ड है, ये बुक्स यहाँ पर स्टूडेंट नाउन है क्योंकि यहाँ किसी थिंग का, वस्तु का नाम है बुक्स, और देम उसकी जगह प्रोनाउन यूज किया गया है। तो प्रोनाउन वह शब्द कहलाता है जो नाउन की जगह रिप्लेस यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी कार्य को, एक्शन को, किसी अवस्था स्टेट को बताता है। जैसे आई एम राइटिंग अ बुक। राइटिंग यहाँ पर स्टूडेंट वर्ब की फॉर्म में यूज हुआ है, इसके साथ प्लस में आईएनजी लगा है जो हमारे टेंस में कॉन्टिन्यू सेंटेंस के साथ लगता है। तो राइटिंग यहाँ पर यानी कि आई एम राइटिंग राइटिंग अ बुक, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है, लिखने का काम हो रहा है। क्या लिखने का, किताब लिखने का काम हो रहा है। तो राइटिंग का काम क्या है, एक कार्य है, एक्शन है, वर्ब है। नेक्स्ट में है आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ, एक अध्यापक हूँ। तो एम का यूज़ यहाँ पर स्टूडेंट एक स्टेट वर्ब के रूप में यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब के यूज में ना होकर एक मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और यहाँ पर जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें एम एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है क्योंकि राइटिंग हमारा मेन वर्ब का काम कर रही है और एम हमारा हेल्पिंग वर्ब का। और लेकिन इस सिंपल सेंटेंस में आई एम अ टीचर में एम हमारा मेन वर्ब का काम कर रही है। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है स्टूडेंट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, किसी की विशेषता बताना, किसी का गुण, उसकी क्वालिटी को बताना। एन एडजेक्टिव, यस स्टूडेंट देखो आपने नोट किया होगा इस बात को कि आ वर्ब सिंपल आ यानी कि ए आया है और एडजेक्टिव के साथ ए एन आया है। इसका मतलब है जहाँ भी जो वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, हमारे वोवल्स फाइव्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो उससे पहले ए एन का यूज होता है, जो साउंड वोवल की निकलती है और जो वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है। वर्ब हमारा वी क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन एडजेक्टिव का ए हमारा वोवल है इसलिए इसके साथ एन का यूज हुआ है। तो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो ऐड करता है कुछ
किसी नाउन के बारे में उसके अर्थ में कुछ ऐड करता है, उसके गुण को बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, एग्जाम्पल में सी इज अ ब्रेव गर्ल, वह एक बहादुर लड़की है। तो शी इज अ ब्रेव गर्ल, गर्ल यानी कि लड़की के बारे में कहा गया। लड़की कैसी है? ब्रेव है, बहादुर है। तो लड़की का ब्रेव होना उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है। तो ये लड़की की विशेषता बताई जा रही है। तो ये अंडरलाइन वर्ड ब्रेव हमारा क्या कहलाएगा? स्टूडेंट, एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज अ टॉल बॉय, इसमें बताया गया है वह लंबा लड़का है। तो बॉय हमारा नाउन है, इसमें बॉय की विशेषता बताई गई है कि लड़का किस प्रकार का है, कैसा है, टॉल है, लंबा है। तो अंडरलाइन वर्ड टॉल हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, कि कक्षा में कितने बॉयज हैं, कितने लड़के हैं? 20, यानी कि क्वांटिटी बताई गई है, विशेषता बताई गई है, मात्रा बताई गई है, और ये काउंटेबल है एक तरह से। तो काउंटेबल एडजेक्टिव है कि कितने बॉयज है? 20। तो 20 क्या हो गई? बॉयज की संख्या हो गई, उनकी क्वांटिटी हो गई। तो ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण, जो क्रिया की और एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है। इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। अ एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनोदर एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब वो शब्द होता है, वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग यानी कि उसकी विशेषता बताता है, वो एडवर्ब कहलाता है। सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल में, ही फिनिश्ड द वर्क क्विकली, उसने अपना कार्य पूरा किया। कैसे पूरा किया? क्विकली, तेजी से। जो क्विकली अंडरलाइन वर्ड है इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब, क्योंकि ये क्विकली वर्ड है, ये किसकी विशेषता बता रहा है स्टूडेंट? काम की विशेषता बता रहा है कि काम कैसे पूरा हुआ, फिनिश तो हुआ, क्रिया तो हुई, वर्ब तो हुई, तो वो क्रिया कैसे हुई? जल्दी हुई, तेजी। तो यहाँ पर फिनिश यानी कि वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर यह फूल बहुत सुंदर है। अ फ्लावर सुंदर है, ब्यूटीफुल होना उसकी एडजेक्टिव हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई, उसकी विशेषता हो गई। लेकिन वेरी इसकी और विशेषण यानी कि एडजेक्टिव की भी और क्वालिटी को बता रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है। ये फ्लावर बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो ये एडवर्ब की भी क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो वेरी शब्द यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड क्या है हमारा स्टूडेंट? ये है हमारा एडवर्ब, क्योंकि जो फ्लावर है ये उसकी विशेषता और ज़्यादा दुगनी करके बताई गई है, और भी ज़्यादा उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया है कि फूल कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट हमारा प्री पोजिशन, तो प्री पोजिशन, प्री यानी कि पहले, पोजिशन यानी कि उसकी स्थिति कैसी है किसी चीज़ की। अ प्री पोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन को शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि हाउ द पर्सन, कि उस सेंटेंस में जो दूसरे पर्सन है, थिंक है, वो उनसे डिनोट करता है, उनका संबंध बताता है कि वो चीज़ उससे कहाँ रिलेटेड है। नाउन प्रोनाउन स्टैंड इन द रिलेशन टू समथिंग, उन नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बताता है, शो करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, देयर इज अ बर्ड इन द गार्डन, इसमें इन हमारी क्या है? प्रीपोजिशन है। इसमें बताया गया है स्टूडेंट जो हमारा बर्ड है, वो पक्षी, वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति कहाँ है, उसकी पोजिशन कहाँ है, वो किससे स्टैंड करता है, किससे रिले। तो जो पक्षी हमारा कहाँ पर बताया गया है? गार्डन में, इन द गार्डन, यानी कि इस नाउन को
उस दूसरे नाउन से, दूसरे प्रोनाउन से, यानी कि सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ड से रिलेट करता है. नेक्स्ट, द गर्ल इज फाउंड ऑफ म्यूजिक. जो ये लड़की है, गर्ल है, ये हमारे यहाँ पर नाउन है, इसको फाउंड है, किसका शौक है, म्यूजिक का. तो ऑफ यहाँ पर हमारी प्रीपोजिशन है जो रिलेशन बता रहा है कि लड़की को किसका शौक है, म्यूजिक का. तो ऑफ हमारे यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है. नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन. कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस. कंजक्शन का काम क्या होता है स्टूडेंट, किसी चीज़ को कनेक्ट करना, जोड़ना. कंजक्शन ये दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को जो वर्ड जोड़ता है, इट इज कॉल्ड कंजक्शन. वी अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल, टू एंड टू मेक्स फोर. दो और दो क्या बनते हैं स्टूडेंट, चार बनते हैं. तो टू एंड टू ये दोनों वर्ड है, इन दोनों वर्ड को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है. एंड हमारे यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, एज ए लिंकर का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का दो शब्दों को. तो एंड इट इज़ कॉल्ड कंजक्शन. नेक्स्ट वन इज़ आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन. आई रन फास्ट यानी कि मैं तेज़ दौड़ा, बट परंतु मिस द ट्रेन, लेकिन मैंने ट्रेन को मिस कर दिया, छूट गई, यानी कि ट्रेन उसकी छूट गई. तो यहाँ पर जो बट है, यहाँ पर जो बट है स्टूडेंट, इट इज़ कॉल्ड कंजक्शन. जो आई रन फास्ट एंड मिस द ट्रेन, ये दो सेंटेंसेस हैं, उनको जोड़ने का, लिंक करने का काम कर रहा है कि मैं तेज़ दौड़ा फिर भी क्या हुआ, मेरी ट्रेन छूट गई, मैंने ट्रेन को मिस कर दिया. या तो कंजक्शन वही होते हैं स्टूडेंट जो दो शब्दों को, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को आप में लिंक करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको जोड़ते हैं, इट इज़ कॉल्ड कंजक्शन. हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा स्टूडेंट इंटरजेक्शन. तो इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसिज सम सडन फीलिंग्स. इंटरजेक्शन होता है कि अपने मन के भावों को, विषमवोदिक अव्यय होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनसे अंदर की फीलिंग्स का अचानक जो उठने वाले अंदर के भाव हैं उनको बताता है. क्योंकि जो इंसान के अंदर, मन के अंदर उठने वाले भाव हैं, आश्चर्य का, खुशी का, गम का, सैडनेस का, दुखी, ये एकदम से उत्पन्न होने वाले भावों को बताता है, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं. इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसिज सम सडन फीलिंग्स. इंटरजेक्शन ऐसे शब्दों को कहते हैं जो मन में उठे, अंदर उठने वाले अचानक भाव को प्रकट करता है, इट इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, हुर्रा वी वॉन द गेम. हुर्रा, हुर्रा खुशी के लिए ये सिंबल लगाया जाता है, ये साइन, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है जो यूज किया जाता है, ये वर्ड खुशी के लिए, हाँ हमने तो गेम जीत लिया, खुशी के लिए हुर्रा शब्द. वाओ यू आर हेयर, बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप यहाँ पर हैं. तो अंदर के भावों को, अचानक उत्पन्न हुए भावों को बताने के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है स्टूडेंट, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं. जो अचानक उत्पन्न होते हैं, खुशी, गम, दुख, आश्चर्य, तो उन्हें बताते हैं. दैट्स कम्प्लीट. एक नोट है आपके लिए, उसे मैं डिफाइन कर देती हूँ. सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स अमोंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब न्यू आधुनिक ग्रामर के अंदर स्टूडेंट, व्याकरण के अंदर डिटर्मिनर्स को भी पार्ट ऑफ स्पीच का भाग मानकर इसे ऐड कर दिया गया है. क्योंकि जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं आर वर्ड्स लाइक ए, एन, द, दीज, दोज, ईच, एवरी, सम, एनी, एटसेट्रा. ये सारे वर्ड हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, विच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन दैट फॉलो. यह उन शब्दों को, उन संज्ञा के बारे में बताते हैं जो सेंटेंस की में उनका प्रयोग करके उनकी लिमिटेड, यानी कि उनकी सीमित दायरा एक बना देते हैं उनके यूज का, प्रयोग का. तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड बेटर
Now will we discuss in these sentences या part of speech our Zoom live classes. Thank you, students.